का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है आज आपकी जिंदगी जिंदगी कैसी कट रही है? नहीं लाइव तो मनी अभी करेंगे लाइव, तुम हमारे साथ रहना। लेकिन आपकी जो रास लीला वहाँ जो नया मंच बना वहाँ होने की थी, अब वो इस एरिया में होगी। ये तो मैं आपको पहले बोल चुका हूँ कि वहाँ होगी, लेकिन अब फिर से यहीं होगी जहाँ होती थी। तो कैसी कट रही है? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिलहाल आज हमसे पूछो, दुकानदारों से पूछो और मेला से पूछो कैसी कट रही है। फिलहाल आपको एक नई अपडेट देते हैं, जो संदूक की दुकानें पहले नहीं आई हुई थी वो अब आ गई हैं, और वर्तमान में आप देख रहे होंगे मुझे, मैं संदूक वाले एरिया में घुसा हुआ हूँ। लेकिन दुकानों का आने का कोई फ़ायदा नहीं, यहाँ आप देखेंगे तो लगभग हमारे घुटने और तलवों के बीच में आधा आधा पानी, इतनी ऊंचाई तक आधा पानी है। ये लोग खड़े हैं, सभी दुकानदार हैं और परेशान हैं कि कब ये पानी यहाँ से निकले। परेशान क्यों है यार? परेशान नहीं है, खुश है। अच्छा, इसे कहते हैं डबल मीनिंग, कहते हैं ताना देना, ये ताना मिल रहा था हमको, परेशान नहीं है। चलिए तो बात करेंगे, वो देखिए चप्पलें तैरेंगी भैया की, वो और हम तो जूते पहन के घुस गए, लेकिन भाई साहब क्या बताएं, कुछ नहीं कह सकते। क्या? अच्छा अच्छा जरूर आएंगे, देखेंगे। आप संदूक वाली एरिया जो है, जिधर संदूक बिकते हैं या टीन से बना सामान बिकता है, उधर का हाल बहुत बुरा है, और इधर का ही नहीं पूरे मेले का हाल बुरा है। अरे कहाँ घुस गया रे बाबा। बिल्कुल बनाएंगे, सबकी बनाएंगे। आपका रासलीला वाला ग्राउंड इंजन लगातार चल रहा है और पानी उधर से निकल रहा है, लेकिन हालत इसकी इतनी बेकार है, क्या बताएं। दुकानदार भाई तो सब परेशान है, कई सारे लाइव हैं उनमें आप देख चुके हैं, लेकिन जो इस समय ग्राउंड की हालत है, क्या ही कहने, ना ही कहूँ तो ही बेटर है। आइए चलते हैं दुकानों वाले एरिया में। लेकिन भाई साहब कपड़े सब खराब हो गए, ये देखिए पूरे मेले में बस पानी पानी और कुछ नहीं, बस पानी पानी। खा लीजिए कि मोहब्बत तुमसे कुछ ऐसी है बिल्कुल पागलों जैसी है, और तुम्हें देखकर मज़ा नहीं आता और तुम्हारे बिन रहा भी नहीं जाता। क्या आवाज़ चैनल जिस दिन मोनेटाइज हो जाएगा, हम ऐसी कभी भी समस्या नहीं आने देंगे और लोगों के काम आएंगे। यहाँ पहले से देख रहे हैं कि चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ था, एक सब्सक्राइबर भी नहीं था, तब से मैं लोगों की मदद करते हुए आ रहा हूँ, और जितना होगा अमाउंट हम उतना मदद करेंगे। और इस बार जो इतना फीका रावण का पुतला फूका गया, जिस दिन हमारे 1,00,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, इतना बड़ा पुतला बनाएंगे कि पूरे भारत में नाम होगा कि बीसलपुर में रावण का पुतला जलाया गया, सबसे बड़ा था। क्या ही कहना, यही है वो कीचड़ जो कभी नहीं सूखती, इसके दर्शन तो मैं रोज करवाता था आपको। दुकानें बंद हैं, मुझे लगता है कुछ दुकानें जा भी चुकी हैं क्या यार, क्या ही बताएं, बहुत 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 ज़्यादा बुरा है। मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा आपको पानी की छप छप की आवाज़ आ रही होगी। अभी लाइव भी करेंगे, जी बताइए। देखिए यहाँ यार कितना पानी बचा है। क्या करें, ईश्वर की माया है, इंजन चल ही रहा है, आपकी समस्याएं सुलझाई जा रही हैं। जा रही यार, कल पानी निकल गया था यार। कल पानी निकल गया था, फिर भर गया रात में। अभी हमें लगता है अभी थोड़ी देर बंद रहेगा, फिर बरसेगा, बूंदे पड़ रही हैं एक दो। तो ये देखेंगे चारों तरफ बस कीचड़ ही कीचड़ है, गंदगी के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। ये देखो दुकान उखड़ गई है, इसको गिर गए बस। मोदी जी पे काहे गुस्सा उतार रहे हैं भैया, है हमारे किस बात के मजे, जब तक आपकी दुकानें नहीं चलेंगी हमारे ब्लॉग नहीं चलेंगे, ऐसा समझ लो। क्या मजे हमारे इन चाचा का झूला, इनको आप पहले भी वीडियो में देख चुके हैं, बता रहे क्या करें भाई। हाल क्या है मेले का ना पूछो सनम, यहाँ बारिश का होना गजब ढा गया। भाई इतनी ज़्यादा कीचड़ है, क्या बताएं, जूते क्या कपड़े सब खराब, लेकिन उनसे ज़्यादा ये बेचारे दुकानदार परेशान हैं। इधर थोड़ा मेला ऊंचा पड़ जाता है क्योंकि इधर थोड़ी ऊंची ज़मीन है, भाई ऊंची ज़मीन होगी तभी मेला ऊंचा पड़ जाता है, तो इधर कम जलभराव होता है। लेकिन वही बात है, दुकानों का हाल बहुत बुरा है और निराशा है लोगों के सामने। कुछ लोगों ने अपनी दुकानें उखाड़ भी ली हैं और ले जा भी रहे हैं, ये देखिए इन लोगों के हाथ सिर्फ निराशा लगी, जगह खरीदी किराया दिया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। और भाई क्या हाल चाल,
तो ये फास्ट फूड वाला एरिया नहीं कि बंदर वाली जो गली है वो है, और ये आपकी सॉफ्टी दुकानें अभी बंद थी, अब खुल रही हैं धीरे धीरे, क्योंकि कस्टमर आना शुरू हो गए हैं तो हो सकता है बिक्री भी हो। तो ये सॉफ्टी की दुकान अब खुल रही है और ये भी खुल चुकी है, यहाँ तो बिक्री भी चालू हो गई है, भैया ने अपनी जो मशीन है वो चला दी है, लेकिन कुछ नहीं कह सकते। जलेबी वाली गली है, इसका हाल बहुत बेकार, और ये लंका वाला एरिया है, थोड़ा पक्का रोड पर जाता है, यहाँ तो तब भी थोड़ा सुकून है, लेकिन जब कस्टमर नहीं आएंगे तो सुकून किस चीज़ का। लो बिल्कुल बनाएंगे भैया जी, कैसी बात करते हैं आप, वीडियो में सबको आना होता है मुझे छोड़ के। तो ये ग्राउंड है सामने, यही है रामलीला ग्राउंड, इसका हालांकि उपयोग नहीं है, लेकिन असली उपयोग इसका अब है, जो ठेले वाले इसमें लगाए रहते थे अब वो अपनी जगह घेर लेते, जैसे देखिए वो लकड़ियाँ गाड़ ली उन्होंने, तो फिर उसके बाद में वो अपनी बिक्री चालू कर देते थे, उनका भी एक बड़ा नुकसान हुआ है। और यार आओ चलते हैं तुम्हारे झूले वाले एरिया में, मेरा मन नहीं हो रहा है आज वीडियो बनाने का, क्योंकि मतलब दुकानदार भाई बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मेला कमेटी लगातार जबकि मदद कर रही है, पानी निकाल रही है, अब इससे ज़्यादा का एकदम से पी थोड़ी ना जाएंगे, इतने बड़े संत नहीं हो गए कि बस दो घूंट में सब पानी पी लिए या भगवान इंद्र को मना लिया, क्या बताएं। और ये आप देखेंगे, ये सूना हो गया, उन्होंने अपनी दुकान उखाड़ ली, वहाँ पे देखिए वो दुकान भी उखड़ गई है, वहाँ से वो लोग जा रहे हैं, निराशा हाथ लगी है सिर्फ लोगों को यहाँ पर, वो सब देखेंगे पूरा एरिया खाली हो गया है, कोई भी बिक्री नहीं हो रही है, क्योंकि आपको पता ही है मेले में कोई आना नहीं चाहता, इतनी ज़्यादा कीचड़ है। हम लोगों का अपना पर्पज़ है, इसीलिए हम आते मेले में, वरना हम खुद नहीं आते हैं, इसमें कोई दोराय नहीं है, ना हम झूठ बोल रहे हैं, अगर हमारी वीडियो ना चल रही होती, हम ना चैनल ना होता, हम क्यों आते मेले में, क्यों कीचड़ में घुसते, बिल्कुल नहीं घुसते, ऐसा आपको लगता है। अरे वास्तविकता में मेरा कह सकते ना, चैनल चलता या ना चलता, मैंने देखा था स्टार्टिंग से बोला था कि मैं कभी वीडियो शेयर नहीं करता था, लेकिन वीडियो चल गई, अब तो आप लोग शेयर भी करते, तो आप लोगों की डेली अपडेट के लिए मुझे मेला आने पड़ता है। और आप देखेंगे पूरा एरिया इस समय पानी से भरा हुआ है और परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं, इन लोगों ने तमाम रुपया खर्च किया और मेरा कमेटी किराया दिया, और लेकिन वही निराशा इनके हाथ लगी है, ये जो चाहते थे कि दशहरे पर अच्छी बिक्री होगी, अच्छी सेल होगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो मौत कुएं के मालिक हैं भाई साहब, खड़े हैं, देख रहे हैं, निहार रहे हैं, अंदर से व्यू देखेंगे, चलते हैं आइए। सामान इसका बिखरा पड़ा है, कुछ पता नहीं कहां पर कदम कब पड़ जाए और क्या कैसा हो जाए, ये देखें बेचारों का जनरेटर यहां रखा है, पानी भर गया तो नुकसान हो जाएगा। मारुति कार जो अब तक मौत कुएं पर दौड़ रही होती इतने समय, और यहां पर हजारों की संख्या में नहीं सैकड़ों की संख्या में लोग मौत कुएं को देख रहे होते, ये पूरा मौत कुआँ सूना पड़ा है, और ये बहन इनके जो अयों अयों धूं 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 बड़ा आऊँ आऊँ करके चल रहे होते, सब बेचारे के ऐसे सूने के सूने खड़े हैं, इनको भी एक दुख हो रहा होगा कि हम कहाँ आ गए, लेकिन क्या करें, ईश्वर की देन है, सुख भी देता है दुख भी देता है। चलिए आइए देखते हैं उधर का व्यू। तो भाई ये आपका स्लैम्बो झूला ये भी बंद पड़ा है, ब्रेक डांस झूला उधर तो कम मेरी उस एरिया में मतलब पानी नहीं है, थोड़ा ऊंचा साइज पड़ रहा है इसीलिए पानी नहीं है। अब मुझे लगता है कि वो रासलीला वाला जो ग्राउंड पुराना वाला है, वहाँ अगर इन लोगों को दुकानों की जगह दी होती तो शायद दुकानों में पानी कम होता, लेकिन आपकी जो रासलीला वहाँ जो नया मंच बना वहाँ होने की थी, अब वो इस एरिया में होगी, ये तो मैं आपको पहले बोल चुका हूँ कि वहाँ होगी, लेकिन अब फिर से यहीं होगी जहाँ होती थी। स्ट्रक्चर जो टेंट का है वो खड़े हो गए हैं देखिए, तो ये देखेंगे आप इस वाले एरिया में इस बार रासलीला होगी जहाँ पहले होती थी। अभी बीच में प्लान चेंज किया गया था कि रासलीला यहाँ पर ना करके उधर करेंगे, लेकिन अब फिर से प्लान चेंज कर दिया गया, अब रासलीला यहीं होगी। और हालांकि ये खेत थोड़ा ऊंचा है, पानी यहाँ पर कम जल भराव आपको देखने को मिल रहा होगा, इधर वही जंपिंग जपांग वाले झूले लगे हुए हैं। अब बात करते हैं आपको उस एरिया में क्या चल रहा है, बड़ा झूला बेचारा सूना पड़ा है, और ये जादूगर का जादू शो ये भी बेकार पड़ा है। अंकल जी बड़ा ऊँच कह सकते हैं, बड़े अच्छे से कमेंट्री करते थे, आवाज़ बेचारे खाली सूने खड़े हैं, बढ़िया। और ये देखिए मिक्की माउस वाला झूला, जैसा वो लास्ट वीडियो में देखा वैसा वैसा ही ढका पड़ा है, लगाया ही नहीं शायद। इनका भी ये सब सूना ताम झाम पड़ा है क्या, ये बच गए बैलेंस बिगड़ गया,
तो पूरा मेला आपने लगभग देख लिया है, क्या कहा जाए यार। हमारे जूते बिल्कुल अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है यार। कम से कम आप ब्लॉग देख पा रहे हैं, मेले की जानकारी आपको मिल रही है। बस तो यार आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मेरा मन ही नहीं हो रहा ब्लॉग बनाते हुए। ऐसी हालत है मेले की, क्या बताऊं, कुछ नहीं कह सकते यार, क्या कब हो जाए। सोचा था मेले में थोड़ा अच्छा अच्छा हर दिन जाएंगे, हर ब्लॉग में कुछ ना कुछ नया बताएंगे, किसी ना किसी नई दुकान की कोई ना कोई नई चीज़ बताएंगे। अब आधी तो दुकानें जा चुकी हैं, फेमस बनारसी पान वाली दुकान ये बेचारे एक सुनी पड़ी है, और ये फ़ोटो वाली दुकान आपको पता ही है, इतनी अच्छी सुंदर सजावट करते हैं ये लोग, पूरी दुकान एकदम तालाब की जैसे हो गई है। फिलहाल देखते हैं अब क्या होना है, पानी निकल जाए, ईश्वर से बस यही कामना है। अगर आज बरस गया हो तो कल से खुल जाए और कड़ाके की धूप निकल आए, ताकि इन लोगों को थोड़ा सुकून मिल जाए। वीडियो बनाते हुए बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है आज। आपकी जिंदगी जिंदगी कैसी कट रही है? नहीं लाइव तो मनी भी करेंगे, लाइव तुम हमारे साथ रहना। तो यार ग्राउंड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब, इधर देख रहे हैं आप। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। तो कैसी कट रही है।